Assalamualaikum. चांद रात मुबारक हो. चांद रात आप कह दें. ठीक है, आज आप ओपन कीजिए. तुम अभी भी इसी तरह लड़ रहे हो ना, जिस तरह पूरा महीना मेरे साथ लड़े हो. जवेरिया, हमारी शो शुरू होने से पहले ये रमजान बड़ी अच्छी दोस्ती थी, मेरा ख्याल है. आखिर में आते आते क्या हो गया? बस यही हो जाता है जब दो दोस्त एक साथ काम करते हैं, थोड़ी प्रोफेशनल जेलसी हो जाती है. बिल्कुल, लोग जब सारी सारी जिंदगियां साथ गुजारते हैं दो प्यार करने वाले, तो उनका रिलेशनशिप मुझे लगता है कि एक साल के बाद बहुत फीका पड़ जाता है. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. ऐसी बात नहीं है. तो जी, चांद रात शुरू हो चुकी है और तमाम लोग अपने अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं सुबह की. कुछ लोग बाजारों में तैयारियां कर रहे हैं, कुछ लोग मेहंदियां लगवा रहे हैं, कुछ लोग चूड़ियां खरीद रहे हैं, कुछ लोग आखिर में जो रह जाने वाली शॉपिंग होती है वो कर रहे हैं. गर्ज ये कि हर कोई ईद की खुशियां मना रहा है, और असल में तो हम भी इस वक्त ईद की खुशियां मना रहे हैं आपके साथ. बिल्कुल, 30 दिनों तक जिस तरह आपने अपनी बहुत सारी आदतों पे कंट्रोल किया है, सलाम है आप पे. लेकिन मेरे कुछ भाई और मेरे कुछ दोस्त आखिर में कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और बाजारों और सड़कों पे पता चल रहा था कि ईद आने वाली है. लेकिन आज आप बिल्कुल आजाद हो चुके हैं. आज आप चांद रात हो गए. आज आप ऑफिशियली जाके सड़कों पर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त तो निकल गए. भाई, सबसे बड़ा काम जो करते हैं ना आज आज के दिन मर्द, वो अपनी जेबें खाली करते हैं. बस बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, सबको शॉपिंग कराते हैं. थैंक यू सो मच कि आपने चौथे रिश्ते का नाम नहीं लिया. आज मुझे पहली ईदी दे दो, पहली ईदी आज ही दे दो मैं, ताकि आज ही शॉपिंग कर लूं. जवेरिया हमेशा बड़े छोटों को देते हैं. इमरान, तुम मुझसे बड़े हो. देखो मैं कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है. मैं अपने फनी कद की बात नहीं कर रहा जवेरिया. जी, हम भी आपको ईदी देने वाले हैं, लेकिन ईद से पहले चांद रात को ईदी देंगे. और आपकी ईदी है हमारे वो खूबसूरत खूबसूरत सितारे जो इस वक्त यहाँ पर जमीन पर उतरेंगे, और आपके प्यारे जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनकी आप बातें सुनना चाहते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, वो हमारे सेट पे थोड़ी देर बाद मौजूद होंगे. जी हाँ, हमें लगता है कि सितारे सिर्फ आसमानों पे होते हैं और हमें छू नहीं सकते, लेकिन आज जो सितारे हमारे पास आएंगे उनको हम छू भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. हमारी टीवी, फिल्म, रेडियो हर जगह छाए हुए हैं, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया. आप क्या क्या कहा, क्या क्या आपको मैं जगह बताऊं कि वो कहां कहां लोगों के दिलों पे राज करते हैं. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जिनके, वो एक ट्वीट करते हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं, वो एक पोस्ट लगाते हैं तो लाखों लोग उस पर कॉमेंट करते हैं, और वो जब एक झलक अपनी टीवी पर दिखाते हैं तो हम सब हो जाते हैं दीवाने. हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त आज साथ होंगे, हमारे कुछ सीनियर साथ होंगे जिनको हम देख देख कर सीखते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें देख कर सीखा. जवेरिया, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, हम तो अभी नए आए हैं इमरान, ऐसी बातें नहीं करते. इमरान कितनी दफा मना किया है. तो जनाब, हम बकायदा आज के शो का आगाज करते हैं. हमारे शो का नाम है चांद से चांद रात तक. और आज अच्छी बात यह है कि हमारे तीन नहीं, गेस्ट... आपने गलत बोला इमरान. क्या इधर देखें, चांद से चांद रात तक. ये उस तरह भी जा सकता था, साहब बैठे हुए हैं वहां. चांद से चांद से चांद रात तक. चांद दो तरह के होते हैं आपको पता है ना, एक जो आसमान पे चमकता है और एक जो अगर बिग उतार जाए होता है. तो भाई, आप लोगों को इंतजार क्यों कराए? मेरे ख्याल है बुलाते हैं अपने पहले गेस्ट को. आप बुला रहे हैं, मैं बुलाऊं? मैं बुलाता हूं इसलिए कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत प्यारा छोटा सा भाई है. मैं जब भी उसको मिलता हूं, कितना छोटा? नहीं, अब वो इतना छोटा नहीं रहा, अब माशाल्लाह वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है. जब वो आया था नया नया तो मुझे बहुत प्यारा लगता था. जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि अगर मेरा छोटा भाई होता तो बिल्कुल इसी तरह का होता. लेकिन जब मैंने उसके साथ काम किया तो मुझे पता चला कि ही इज अ वंडरफुल एक्टर, और आजकल वो स्क्रीन पे छाए हुए हैं, एक के बाद एक हिट पे हिट दे रहे हैं, जिनमें है बांदी, दलदल, कोई चांद रख, जिसमें मैं भी था उनके साथ, कैसा है नसीबा, और आजकल ये यारियां भी निभा रहे हैं. तो आप समझ ही गए होंगे, वो जब भी आते हैं दिलों पे छा जाते हैं. बहुत ही प्यारा, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही मसखरा. सेट पे जब होता है तो फिर हम अपनी हंसी कंट्रोल किए बगैर नहीं रह सकते. हाल ही में उनकी शादी हुई है, और मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त, मैं उनकी छोटी बहनों की तरह कहता हूँ लेकिन वो मेरी भाभी बन चुकी है, एमन खान से. तो मैं जनाब दावत देता हूँ मुनीब. कैसे हैं सब लोग? सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक. और आपको
शादी के बाद पहली चांद रात बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू सो मच. बाल खुशी के कम लग रहे हैं. खुशी के आंसू है. खुशी के आंसू. आज हमारी जो बॉयज टीम है उसका पहला मेंबर आ गया है. आप बताइए कि आपकी मेहमान जी है? मेरे पास जो मेहमान है उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ. उनके बारे में ये कहा जाए कि वो आई, उन्होंने देखा और फतह कर लिया, तो गलत नहीं होगा. आप उनको बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रामों में देख चुके हैं, जिनमें अलिफ अल्लाह और इंसान, संगे मरमर, और अब बड़े स्क्रीन पर आजकल नजर आ रही है जवानी फिर नहीं आनी 2 आपने उनकी देखी, और परवाज है जुनू आपकी बहुत सही तालीम है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? कुबरा बहुत-बहुत आपको चांद रात मुबारक हो. आपको भी. आप लंदन नहीं जा रही? नहीं जा रही. इस दफा मसरूफियत ज्यादा हो गई. बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत पाकिस्तानी रोक लिया फाइनली आपको. एग्जैक्टली. चलिए जी, अब मैं अपनी बॉयज टीम का एक और मेंबर, अपना एक बहुत अच्छा दोस्त बुलाता हूँ. इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, मेरे होम टाउन से है. आजकल इस्लामाबाद के लोग बड़े आहिस्ता आहिस्ता करके मीडिया पे छाते जा रहे हैं, और उनमें से एक नाम ये भी है. ड्रामे कर रहा है, फिल्में कर रहा है, एक के बाद एक हिट दे रहा है. बड़ी जल्दी इसकी एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हीर मांझा. इससे पहले इन्होंने फिल्म दी पर्ची, और ड्रामे तो आपने इनके देखे ही होंगे. मैं बहुत इंतजार नहीं कराऊँगा, तशरीफ़ लाते हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अली रहमान. आप सबको भी चांद रात मुबारक हो. तो जी, अब मैं जिस एक्ट्रेस को बुलाने वाली हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि उनके बारे में कहाँ से बताना शुरू और कहाँ पे बताना खत्म करूँ, क्योंकि वो एक्ट्रेस जो है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में इतना नाम बनाया कि लगता था कि शायद उनसे अच्छी एक्ट्रेस कोई है ही नहीं. लेकिन जब वो टीवी पर आई तो टीवी पे आके भी उन्होंने धूम मचा दी, और लगता था जैसे उनसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता. उसके बाद उन्होंने होस्टिंग की, वो भी बहुत कमाल की. और मज़े की बात आजकल मैं आपको बताऊँ वो ये है कि कराची में जो बाइकर्स का एक ग्रुप घूम रहा है आजकल, उसमें पहली फीमेल बाइकर वो हैं. इमेजिन करें. बहुत अच्छी होस्ट, बहुत अच्छी फिल्म स्टार, बहुत अच्छी टीवी स्टार, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी दोस्त. आप सबकी बहुत सही तालियों में सना फखर. लग रहा है कि अब चांद जमीन पे आ गया है. इतने सारे चांद खड़े हैं यहाँ. फिल्म स्टार्स जब आते हैं ना तो उनका कुछ और ही अलग होता है. जब वो आते हैं तो वाकई फिल्मी सितारे आते हैं ना, तो लगता है कि वाकई फिर आसमान की जो है ना कुछ रौनक है. ये जो सितारे मेरे साथ खड़े हैं, आपको वाला नजर नहीं आ रहा मुझे, खैरियत है? वो इस उम्र में आई साइड कमजोर हो जाती है. ये अच्छा, मैं समझी आप ये कहने वाले कि इस उम्र में और खत्म हो जाता है. देखिए, वॉइस का जो होता है वो जो है वो दिमाग में होता है. खबर देखिए, वॉइस आप नजर नहीं आता. आप इनके बारे में वॉइस आजकल नहीं होता ऐसा. क्या वो क्योंकि मेरे साथ के हैं. मैंने सुना था कि सिर्फ लड़कियां खवातीन ही बहुत ज्यादा बोलती हैं, लेकिन अभी आपने प्रूव कर दिया कि ये रॉन्ग है. लड़कियों का पलड़ा भारी है. मुझे पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा हुई. अगले लड़के को भी बुला लीजिए. ब्रेक लेते हैं. पहले छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक से वापस आएंगे. हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा चांद से चांद रात तक. वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं चांद से चांद रात तक मेरे और इमरान के साथ. जी अच्छा, इस पर भी बैंक था. ओके, वेरी गुड, थैंक यू. अब लड़कों के टीम के अगले लड़के के बुलाने की बारी आ गई है, और जिसको मैं बुलाने जा रहा हूँ वो आप सब जानते हैं कि भंगड़ा, जब भी पाकिस्तान में भंगड़ा म्यूजिक का जिक्र होगा उनका नाम हमेशा हमेशा उसी तरह लिया जाए. आइए. पिछले साल भी आए थे, लेकिन इस साल पहले से भी ज्यादा. मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ये किस कुएं का पानी पी रहे हैं?
उस कुएं का नाम डॉक्टर नो आजकल सारे हमारे शोबिज़ की लड़कियां और लड़के उन्हीं कुओं के पानी पी रहे हैं. खैर, तो आज मैं आप लोगों की बहुत सारी तालियों में दावत देता हूं अपने बहुत ही प्यारे, हम सब के बहुत अजीज और डेफिनेटली वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक, सलीम जावेद. और जी, आप जिस मेहमान को मैं बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में क्या बताऊँ कि उनका माशाल्लाह से पूरा खानदान ही बहुत टैलेंटेड खानदान है. जिसको भी आप उठाएं लगता है क्योंकि हीरे यहाँ पर जड़े हुए हैं इस खानदान के अंदर, बड़ा ही टैलेंट भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है. और वो यहाँ पर जो आने वाली हैं हमारी दोस्त, उनके बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई. वो मॉडल भी हैं, वीजे भी हैं और क्या कमाल की एक्ट्रेस है. हम सबकी बहुत सारी तालियों में अनुषा अब्बासी. ईद मुबारक, चांद रात मुबारक. चांद रात मुबारक. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या मैं इनसे सवाल करूंगी, आप उनसे सवाल करेंगे, ठीक है? हाँ. अच्छा जी, ये बताएं कि चांद रात कैसे मनाते हैं, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, या वो दौर चला गया कि जब अम्मी के साथ, बहनों के साथ बाजार जाते थे, मार्केट जाते थे, या कभी वो दौर आया ही नहीं जिंदगी में? कभी वो दौर आया नहीं कि हम चांद रात. हाँ, आई थिंक बचपन में हम जाते थे मार्केट शार्केट, पर उसके बाद जब बड़े थोड़े हो गए तो फिर दोस्तों के साथ ही गुजारते थे. दोस्तों के साथ हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है दोस्तों का कि हम सारे इकट्ठे होते हैं एक दोस्त के घर या किसी एक दोस्त के घर, और वहाँ जाके फिर खाना शाना होता है, एक दावत होती है बहुत बड़ी, और बस हम उसी तरह, हम लोग बाहर नहीं जाते, हम लोग गलियों में नहीं फिरते, हम लोग. अच्छा सर, बताइएगा, चांद रात से ज़्यादा मज़ा ईद पर आता है या चांद रात पे ज़्यादा मज़ा आता है? जब तक ईद आती है, आप ईद की नमाज का वेट कर रहे होते हैं, तो वो एंटिसिपेशन जो बिल्डअप होती जाती है, वो खुशी जो है ना वो बढ़ती जाती है. ईद के दिन फिर एकदम से हर चीज स्लो हो जाती है. मुनीब, एक जब टाइम होता है चांद रात का, जो सिंगल बॉय जब इस तरह आते कर रहे होते, तो मुझे डिफरेंट होगी ना चांद रात. आई कैन सी इस बार की तो मुनीब की चांद रात होगी डिफरेंट, माशाल्लाह. मुझे एकदम वो सारे फ्लैशेस लग रहे थे कि पिछले साल तक मैं भी यही बातें करता था जिस तरह अली भाई अभी कर रहे हैं, और हम भी इसी तरह एंजॉय करते थे. But as you guys know, लेकिन ये life change हो गई इस साल, और ज़्यादा enjoy कर रहा हूँ, और मुझे घर भी जाना है, और बहुत enjoy कर रहा हूँ मैं. आप देख सकते हैं कितनी खुद खुश हूँ. इस्लामाबाद में तो हमारे कुछ खास hangout points होते थे, याद होगा आपको, हम सब जब अपने अपने कॉलेज डेज में जाया करते थे. अब आपकी मोस्टली जो ईद होती है वो कराची में गुजर रही होती है या शहर से बाहर गुजर रही होती है? तो शहर से, हाँ, मैं पिछली ईद शहर से, एक ईद शहर से बाहर गुजरी थी, एक घर पे गुजरी थी, और वरना तो अब इस बार फाइनली वापस इस्लामाबाद में होगी, क्योंकि मैं अब 5 महीनों में वापस घर नहीं गया. तो एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा माँ बाप को ही मिस कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स टाइम, अब टाइम आ गया वापस जाने का. तो बहुत, मैं एक्चुअली, मेरी एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा है. सलीम भाई, अब आप तो, आपके मेरे ख्याल आप तो यूएस में भी ईद मना रहे होते हैं, मेरा आप तो, आपका वहाँ भी आना जाना लगा. क्या ये तो पोते पोतियों वाले हो गए मेरा ख्याल? नहीं, आर यू सीरियस? अभी अभी से अभी इतनी तेजी क्यों जा रही है? वैसे अल्लाह ये दिन दिखाए और बड़ी बात होती है. सलीम भाई, क्या एक और कुछ तमगा हुस्ने कारकर्दगी आपको भी मिल गया क्या? जिन्हें नहीं मिला वो खुद घर से ले आए हैं. ये हमने कारकर्दगी भी हमारी आवाम है. यस, इसमें कोई शक नहीं है, जो लोग आपको पसंद करते हैं वही आपके लिए आपका सरमाया है, सब कुछ वही होते हैं. और मेरे लिए तो मैं चांद रात भी बहुत इन्जॉय करता हूँ और ईद भी इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से, अच्छा, जो लोग रोज़े पूरे रखते हैं, यकीन सारे ही रखते हैं, नमाजें सारे लोग पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा खुशी होती है. मैं तरावी भी पढ़ता हूँ, जो कि एक मुश्किल काम है, बोलना नहीं चाहिए, मगर थोड़ा है मुश्किल, मगर अगर कर लिया जाए, तरावी पढ़ ली जाए पूरी,
اور پھر جو چاند رات کو جو آپ کو خوشی ملتی ہے نا کیونکہ پورا قرآن راستے میں جو شیر خورمہ ملتا ہے اور کھیر ملتی ہے آپ کو ریلائز ہوتا ہے اچھا روزے اب ختم ہے اور اب اور چاند رات کا مزہ یہی ہے کیونکہ یہ بھی عبادت کی رات ہوتی ہے یعنی ہمیں انجوائے تو کرنا چاہیے مگر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اللہ کا انعام بھی اس رات میں ہوتا ہے تو وہ بھی تلاش کرنا چاہیے بالکل جی اس طرح کیا سوال کریں گے آپ نے آپ نے میرے والے جو ہے نا اس کے اندر بھی جب آپ نے کر لیا تو پھر میں آپ ادھر تو میں خالی مکس ہی کر لیتے ہیں کبرا نہیں نہیں آپ لوگ ہمیں موقع نہ دیں ہم خود ہی لے لیں گے آپ لوگ کر لیں اپنا پہلے آپ لوگ ختم کر لیں پھر اس کے بعد ہم آئیں گے ابھی ہم صرف نوٹس کر رہی ہیں کبرا لندن میں آپ کی عیدیں ہوتی تھی اور اس کے بعد اب آپ کی پاکستان میں ہو رہی ہیں کافی پچھلے دو تین سالوں سے پاکستانی ماشاء اللہ انڈسٹری از ویلکم یو سو with like with open arms and open heart or har koi matlab people have accepted you and started loving you after namaloom afraad one aur uske baad one after another ek aur hit alhamdulillah how do you feel now being here in pakistan loving all this eid ke rang I think I like eid in london and in pakistan both lekin bas difference ye hai ki wahan pe family ke sath hoti thi to bachon ke sath meri behan ke bacche jo hain family hoti thi puri to uska charm completely different tha تو یہاں پہ عید زوروں شوروں سے منائی جاتی ہے جنرلی یہاں پہ آپ باقی ٹریڈیشن بھی دیکھتے ہیں باقی فیملی سب میرے جو دوست ہیں جیسے وہ عید مناتے ہیں تو اٹس نائس ٹو سی کہ وہ ٹریڈیشن ابھی بھی زندہ ہے کہ ہم فل رمضان گزار کے عبادت کر کے سارے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی فائنلی نکل آتے ہیں تو وہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے لیکن میرے جیسے بندے کے لیے تھوڑا سا سیڈنگ ہو جاتا ہے کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں اوبویسلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ ہی مزہ دیتی ہیں بالکل صحیح کوبرا کی بہت کم ہوتا ہے پاکستان میں کہ ایک ہی عید پہ ایک ساتھ دو فلمز ریلیز ہو رہی تھیں ہاں جی مطلب کیسا لگ رہا تھا کون سی فلم کے لیے دعائیں زیادہ کر رہی تھیں کہ یہ زیادہ بڑی ہٹ ہو یا مطلب دونوں فلموں میں آپ ہی ہیروئن ہو دونوں فلمیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی ٹو بی آنیسٹ کیونکہ دونوں سیم ٹائم پہ بھی ہوئی تھیں اور ایک میں میرا رول تھوڑا زیادہ تھا دوسرے میں تھوڑا کم تھا لیکن اٹ ڈنٹ میٹر کیونکہ دونوں کا جو ایک آئی تھنک مورل تھا وچ واز ویری امپورٹنٹ ٹو می تو اٹ وازنٹ کہ میرے لیے کوئی زیادہ اسپیشل تھی یا نہیں فور می واز ویری نرو ریکنگ کہ دونوں کو اچھا کرنا چاہیے اور الحمدللہ کا کرم ہوا کہ دونوں نے اچھا کیا لیکن پروموشن کے وقت بہت ٹینشن ہو گئی تھی ظاہر نو کہ دونوں ایک ٹائم پہ ہو رہی ہے کس کو زیادہ پروموٹ کروں کس کو کم کروں سو آئی فیل لائک اس دن دو کبرا ہونی چاہیے تھی اس دوران تاکہ دونوں موجود ہوتی وہاں پہ بٹ سنا فلمس یہ دل آپ کا ہوا سنگم مطلب اتنی بڑی بڑی ہٹس ماشاء اللہ اینڈ اسٹل یو آر ورکنگ ان فلمس وت دا سیم strength energy looks glamour nahi ye cheez fark aayi hai ab ye 10 saal choti lagne lagi hain dekhe actor ka jo passion hota hai na wo agar khatam ho jaye us din uska kaam khatam hota hai ha sahi baat passion rehna chahiye aur jo naye actors bahut sare main dekhti hu jab jinke andar passion hota hai wo nazar bhi aata hai uska result bhi nazar aata hai of course when it comes to work aapko passion bahut alive rehna zaruri hai and I'm excited because ek film wrong number 2 bhi release ho rahi hai اور چاند رات کیونکہ بہت ہیپننگ ہوتی ہے سب کی چاہے وہ شاپنگ کرتے ہوئے ہو چاہے وہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائی اور مناتے ہوئے ہو کیونکہ اکثر گھروں میں لڑائی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ہو بچوں کے کپڑے نہیں آتے چاند رات تک نہیں اکثر یہ ہوتا ہے جیسے مجھے یہاں کا بھی ماحول تھوڑا سا ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے کسی کے گھر چلے جائیں نا مہمان تو ان کی جو میزبان ہوتے ہیں ان کی اگر لڑائی ہو جائے تو جو مہمان ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آپ کیا کریں کنفیوز ہو جاتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ کوئی نہ کوئی بات جمیرے چاند رات پہ ہوتا ہے میرا تو پتہ کیا ہوتا ہے مجھے تو وہی ماحول لگ رہا ہے گھر والا مجھے اور پیسے چاہیے تو سو کہہ رہا ہے جویریا پوری جیب خالی ہو گئی ہے میری جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہیں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ تو لڑائی ہر میاں بیوی کی ہوتی ہے اور دوستوں میں بھی ہوتی ہے اور اگر لڑائیاں نہیں ہوں تو پھر محبت اور وہ جو تیاری جو ہے نا وہ بھی رہ جاتی ہے چاند رات کے میں کہ یہ لینا ہے وہ لینا ہے وہ ایک لاسٹ مومنٹ دو رات کے 2 بجے تک جو تیاری ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی انوشے آپ ہی فلم نہیں کر رہی اب تو مطلب وہاں بھی بیٹھے ہوں گے 6 لوگ فلم کر رہے ہوں گے جس سے پوچھو فلم کر رہا ہے اتنی اچھی ایکٹریس ہے اور شی از اے برلینٹ ایکٹریس تھینک یو میں نے ایک کیریکٹر کیا تھا ایکٹر ان لا میں اور اس کے بعد ابھی تک کوئی فلم نہیں کی میں بہت سارے ایڈز کر رہی ہوں آج کل کوئی ڈرامہ بھی نہیں کر رہی اور فلم بھی نہیں کر رہی ارے میں تم سے پوچھوں گی عمران تم کوئی فلم کیوں نہیں کر رہے میں کر رہا ہوں تو باہر بھی کر کے آئے ہو میں کر رہا ہوں میں چوز کر رہا ہوں ابھی بھی جویریہ بہت ساری فلم ابھی فلور پر ہیں جو میرے پاس سے ہو کے گئیں
और पाकिस्तान में बहुत सारी फिल्में जो रिलीज़ हुई हैं उसमें अक्सर मेरे पास से ही होकर स्क्रिप्ट अभी तक पड़े हैं सबूत के लिए, लेकिन आई वाज वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट एंड द राइट टीम। तो ऐसी जगह पे काम करके आए हो तुम जहाँ की फिल्में जो है लोग पागलों की तरह देखते हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उसके बाद मुझे पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा था कि टीवी पे तो हम हर तरह का काम कर लेते हैं और अच्छा बुरा चल जाता है, लेकिन फिल्म का करते वक्त आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। लेकिन मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है इमरान की कि फिल्म्स के बाद भी टीवी नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि टीवी से जिनको इज्जत मिली और वो फिल्म तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने टीवी छोड़ दिया। टीवी हमारी पहचान है, इवन बॉलीवुड में भी जब हमें काम मिलता था। इसमें होता ये है कि हमारा सबसे हर एक्टर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन जो है वो उसका पिछला काम है। हम यही अपने कॉम्पिटिशन से ही जो है वो कम्पीट कर रहे होते हैं यार इससे बेहतर इससे बेहतर। तो अगर किसी और टीवी पाकिस्तान का टीवी, लेकिन टीवी और फिल्म दो अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं ना। अगर आपने एक ड्रामा किया तो आप चाहेंगे इससे बेहतर ड्रामा करूं, फिल्म करिए तो उससे बेहतर ड्रामा, राइट टाइम पे राइट डिसीजन भी बहुत जरूरी है। एक चीज में मैं डिफर करूंगी कि अभी तक जो हमारा टीवी का सीन है वो दैट इज लाइक बिगर देन फिल्म्स। डेफिनेटली हमारी वी नीड लिटिल मोर टाइम टू सस्टेन एंड टू टेक अ प्लेस फॉर फिल्म्स, लेकिन अभी हमारा जो ड्रामा जहाँ पर है वो इट्स लाइक फार मोर अहेड। हमारे जो ड्रामाज हैं वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं कि स्पेशली मोस्ट ऑफ आवर एक्टर्स हैव स्टार्टेड फ्रॉम ड्रामा इंडस्ट्री एंड इफ वी हैव लर्नड एनीथिंग, मेरे लिए तो मेरी बुनियाद ड्रामे से ही बनी थी। हालांकि नामालूम अफराद वाज माय फर्स्ट मूवी एंड माय फर्स्ट एवर एक्टिंग एक्सपीरियंस, लेकिन जो मैंने बेसिक सीखी थी वो ड्रामे से ही सीखी थी। सो इट्स इम्पॉसिबल टू लीव इट इन द फैक्ट कि मैसेज एंड वी कनेक्ट टू एवरीबॉडी थ्रू ड्रामा। So I think it's very important ki hum on the other hand, I mean agar aap acting ki baat kare, of course it's a great learning process exactly. But the, another hand agar aap dekhe to hamara jo television mein production in terms of scripting in terms of everything itna improve kar gaya hai ki ab wo ek level aa gaya hai ki hum usko keh sakte hain ki hamare Pakistan ka drama is like on Lekin next level. Inshallah mujhe hum logo ko aisa lagta hai ki jaise hamari film industry inshallah us maqam tak zarur aayegi ki jis maqam pe वो पहले एक ज़माने में थी, क्योंकि अब फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वो साइड जा रही है हमारी, और जैसे जैसे बनती रहेंगी एक प्रोड्यूसर जब बनाता है डायरेक्टर बनाता है फिल्म तो अगली उससे उसकी अच्छी होती है, उससे अगली उससे अच्छी होती है। तो इंशाल्लाह ये करते करते ज़रूर फिल्म बनेगी और हम आपको भी ज़रूर फिल्में देखेंगे। अनुषा आप चुप बैठेंगी हैं, ज़रूर देखेंगे फिल्में इंशाल्लाह। अनुषा लग रहा है अनुषा आज आई नहीं है हमारे पास। अनुषा वैसे भी कम बोलती है जी, लग रहा है अनुषा को ईद ही नहीं मिली। अनुषा अभी ईद आई नहीं, हम तो पहले ही ले लेते हैं, हम कहते हैं चांद रात को ही दे दो, फिर ईद पे भी मांगते हैं। अनुषा किससे मांगती हो, तुम्हारा तो बैकग्राउंड इतना टैलेंट भरा बैकग्राउंड है, शमून भाई जवेरिया सारे लोग इतना, तो सीख सीख के सब कुछ आया या इंस्पायर होके आया या उन लोगों ने पुश किया कि बेटा घर में तुम क्या कर रही हो, बैठी है पोछा लगा रही हो, चलो एक्टिंग करो। पुश इतना ज्यादा नहीं किया जितना ज्यादा मेरे काम को अप्रिशिएट किया, और आई थिंक उसी की वजह से बस मैं काम करती रही और यू नो अब ऐसा है। तो सलीम भाई क्या अब म्यूजिक में क्या हो रहा है, कुछ नया कुछ इनोवेशन, कुछ आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कवर्स कर रहे होते हैं कुछ, अब कुछ सिलसिला कुछ अर्से से मैंने देखा है कि थोड़ा सा कुछ धीमा पड़ा हुआ है। नहीं कुछ काम तो बहुत है, पहले तो एक ज़माना था कि आपको पता है सीडी का कैसेट्स का दौर था, अब वो एकदम ख़त्म हो गया है। अब तो लोग टिकटॉक पे भी सिंगर बन रहे हैं। हाँ अब आप देखें व्हाट्सअप पे यूट्यूब पे फेसबुक पे ये जो सारी चीज़ें हैं ना जिसको जो दिल चाह रहा है। अच्छा कभी कभी कोई जिस पर बहुत मेहनत करते हैं हम सोचते हैं कि ये बहुत लाइक करेंगे लोग इसको, ये बहुत मेहनत से बनाया है, मगर वो क्लिक नहीं करता। कभी कभी कोई ऐसा आइटम, कोई घर में कोई ऐसे ही आदमी गाड़ी साफ़ कर रहा है, धो रहा है गाड़ी को, और उसने कोई गाना गाया और वो पता चला कि पूरे पाकिस्तान उसको पूरी दुनिया उसको सुन रही है सोशल मीडिया। ये तो लक होती है ना, ये लक समझ होती नहीं है। समझ नहीं आ रहा कहीं लक होती है कहीं सिफारिश होती है कहीं, लेकिन टैलेंट मेरे ख्याल से टैलेंट है, कहीं टैलेंट होता है, बहुत कम टैलेंट होता है। टैलेंट तो है तो तभी तो उसको लोगों ने एंजॉय किया उस बात पे, और ये बहुत अच्छी बात भी है मेरा ख्याल है कि अब लोग इंतजार नहीं करते, क्योंकि पहले जब एक सरकारी इदारा होता था तो उस पर आपको वेट करना पड़ता था, वहाँ भी सिफारिशें चलती थी और वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आपको लाने एक ही इंस्टीट्यूट एक ही इदारा आपको कितने लोगों को प्रमोट करेगा। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप यूट्यूब पर अपना चैनल बना सकते हैं, आपकी अगर कोई भी चीज़ क्लिक कर जाए तो यू कैन बी अ स्टार ओवरनाइट। तो आई थिंक पहले ये होता था कि पहले जब पीटीवी के ज़माने में हम जब काम करते थे तो पहले काम मिलना मुश्किल होता था और हिट होना आसान था,
अब हिट होना मुश्किल है और काम बहुत आसानी से मिल रहा है लोगों काम इजीली मिल रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रही पहले बहुत मुश्किल से आपको गाना मिलता था बहुत मुश्किल से फिल्म मिलती थी ड्रामा मिलता था मगर अब इजीली सब कुछ मिल जाता है आपके हाथ में अगर आपका दिल चाहता है ऑन करें कैमरा जो दिल चाहे बोल दें उसके अंदर मोबाइल में और उसी टाइम लोड कर दें मगर हिट होना मुश्किल हाँ बहुत अजीब अजीब कुछ चीज़ें हो गई हैं पर आम मज़ा आ रहा है टेक्नोलॉजी का दौर है और मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस दौर में काम कर रहा हूँ आप इंशाल्लाह काम करते रहेंगे आप सदा बाहर हैं होता ये कि बहुत सारे सिंगर थे चले गए टेक्नोलॉजी का अपना मजा है आप में टैलेंट भी है जैसे मूवीज पहले बनती थी मैंने एक फिल्म की थी मिस्टर केटू मोइन अख्तर साहब के कहने के ऊपर जबकि मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती मगर उनकी मोहब्बतों में मैंने कर ली तो वो फिल्म उस जमाने की थी अब मैं देखता हूँ कि अब हमने मैंने आपकी मूवी देखी पर्ची हम सारे दोस्तों ने जाके हम पाकिस्तानी मूवीज देख रहे हैं सब लोग और मैं सबसे कहूँगा सारे लोग जाएं अपनी मूवी को प्रमोट करें बिल्कुल जो अच्छी अपनी अपनी मूवी को तो सभी प्रमोट कर रहे हैं और रियली बहुत मज़ा आ रहा है यानी उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे जहनों में वो इंडियन मूवीज़ हैं वो इतना पहले से काम कर रहे हैं इतना आगे जा चुके हैं हमें टाइम लगेगा मगर हम काफ़ी हद तक हमने बहुत कवर किया है बहुत कवर कर लिया है बहुत मजा आ रहा है और जी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान बैठे हुए हैं बातें होती रहेंगी इनसे और बहुत कुछ भी है हमारे शो में अगर आपको देखना है तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपसे मिलते हैं देखते रहिएगा चांद से चांद रात तक देख लें आप औरत को किचन में आना ही पड़ता है चाहे कोई प्रोग्राम ही क्यों ना कर रही हो चांद रात को तो औरत का नसीब ही यही कि किचन में शीर खोरमा चढ़ जाता है चूल्हे पर पूरी रात पकता रहता है पकता रहता है पकता रहता है और सुबह मजे लेके खाया जाता है और हमारे साथ आज किचन में चांद रात में मौजूद है समीन मुइज़ जो कि हमारे साथ पूरी रमजान ट्रांसमिशन में सहरी में आपको मजे मजे के खाने बना के दिखाती रही है सिखाती रही है कैसी आप अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो आपको खैर मुबारक बहुत इंजॉय किया ओवरऑल ट्रांसमिशन बहुत मजा आया उम्मीद करती हूँ लोगों को भी पसंद आई होंगी चीजें बिल्कुल पसंद आया जब भी तो आज तक हमारे साथ आज रात तक हमारे साथ में चांद से चांद बहुत बहुत शुक्रिया क्या बना रही हैं आज आप अच्छा शीर खोरमा वगैरह तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अपनी सहरी के प्रोग्राम्स में तो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट करते हैं हमेशा कोशिश ये होती है कुछ अलग किया जाए कुछ मजे किया जाए कुछ सिंपल किया जाए तो टिरामिसू इज़ अ वेरी वेरी फेमस इटालियन डिज़र्ट और इटली जो है वो बेसिकली या तो पिज़्ज़ा के हवाले से बहुत मशहूर है या फिर इनका जो ये डिज़र्ट है आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पे आपको जो भी कुजींस होते हैं जो भी आपके मेन्यू कार्ड होते हैं उसमें ही आपको डिज़र्ट नज़र आता है बहुत मज़ेदार होता है बहुत मज़ेदार होता है आज हम देखेंगे कि आप उतना ही मज़ेदार बना रहे हैं अच्छा ओके बनता है बेसिकली ये फिंगर बिस्किट से ये फिंगर बिस्किट जो आप देख रही हैं ये बाज़ार से रेडीमेड है आप चाहें तो इसको ख़ुद भी बना सकते हैं बेसिकली इन बिस्किट की खास बात ये होती है कि इसके अंदर बटर नहीं होता ठीक ये बनता है एग से फ्लावर से लेकिन देयर इज़ नो बटर इन दिस बिस्किट्स ठीक है जो बटरलेस केक होते हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं और आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बताना चाहूँगी फिंगर बिस्किट्स के ये ऑप्शन है अगर ये अवेलेबल हैं आप ये ले सकते हैं अगर आपके पास पाउंड केक है सिंपल पाउंड केक जो कि वनीला केक होता है आप उससे भी बना सकते हैं और अगर ये नहीं है तो रस्क पापे जिसे हम घर में खाते हैं चाय के में डबो डबो के या चाय के साथ बनाएंगे सब तो उससे भी बना सकते हैं तो बेसिकली ढूंढते हैं देयर हैज टू बी वेरिएशंस जब आप कुकिंग करते हैं तो वेरिएशंस होनी चाहिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए कि आप किस तरह अपने घर में चीजें होते हुए किस तरह उनको यूज कर सकते हैं ठीक है रेसिपी इज वेरी डिफरेंट इज वेरी सिंपल बेसिकली ये व्हिप क्रीम है ये टैट्रा पैक की विप क्रीम तकरीबन एक कप से डेढ़ कप है टैट्रा पैक की विप क्रीम के अंदर चीनी ऑलरेडी होती है और एसेंस भी होता है अगर आप नॉर्मल क्रीम यूज करते हैं तो वो विप नहीं होती है उसका वॉल्यूम बहुत नहीं बढ़ता है विप वो हो जाती है पर वॉल्यूम नहीं बढ़ता लेकिन ये क्रीम जो है तकरीबन अगर ये एक से डेढ़ कप क्रीम है तो इसका वॉल्यूम तकरीबन तीन से चार कप हो जाता है तो इसलिए इट्स रियली गुड ठीक है ये क्रीम चीज है बेसिकली इसके अंदर मैस्कारपोनी चीज़ यूज़ होता है जो कि सॉल्ट लेस होता है लेकिन लोगों को पर्सनली मुझे भी हल्का सा सॉल्ट मीठे में अच्छा लगता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि ये अवेलेबल हर जगह पर है मैस्कारपोनी चीज़ हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता ये कंडेंस्ड मिल्क है इट इज़ ऑप्शनल
अगर आपको लगता है कि मीठा कम है क्योंकि ये सॉल्टी है तो आप डाल सकते हैं, अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं सारी जो ऑल्टरनेटिव है वो बता रही हूँ ताकि लोग आसानी से बना सकें। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले मैं जो क्रीम है उसको व्हिप करूँगी। आप पहले बता दें, हाँ फिर बनाती रहेगा, हम ठीक है मेहमानों के पास। इट्स वेरी सिंपल, क्रीम को मैं व्हिप करूंगी जब इसका वॉल्यूम भर जाएगा और ये डबल हो जाएगी, फिर मैं इसके अंदर क्रीम चीज ऐड करूंगी और मैं टेस्ट कर लूंगी, इफ आई नीड शुगर तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालूंगी। उसके बाद ये फिंगर बिस्किट्स को ये मैंने कॉफी वाला पानी तैयार किया है, तकरीबन 1.5 से 2 कप के अंदर, 1 टीस्पून कॉफी फॉर 1 कप इज मोर देन इनफ। इसको मैंने इस तरह करके डिप करना है और अपनी प्लेटर में सेट करना है अपनी डिश में। डिश हैज टू बी लाइक पायरेक्स जैसे कि ये डिश ताकि नजर आए। यहाँ पे आपके पहले बिस्किट की लेयर आएगी, फिर जो मैं ये जो व्हिप क्रीम का मिक्सचर है वो आएगा, देन अगेन ये लेयर आएगी, फिर दोबारा ये मिक्सचर आएगा और हम टॉप करेंगे कोको पाउडर से। तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। कोको पाउडर आप मजाक में मिल जाता है, मिल जाता है, घर में अवेलेबल होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, बनने के बाद इसको फ्रीजर में रखना है या इसको बेक करना है? बिल्कुल भी नो बेक, नो फ्रीजर, इट हैज टू बी कीप इन द फ्रिज एंड इट हैज टू बी सर्व चिल। ठंडा ये यूज होता है और जितना आप इसको फ्रिज में रखेंगे उतनी ही जो कॉफी है वो इस बिस्किट के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी और ये बिल्कुल आपको क्रीमी टेक्सचर देगा। फौरन खाएंगे फिर तो जल्दी बना दे, फिर तो मेहमान भी जरा लुत्फंदोज हो, बड़े देर से सूखे हुए बैठे हुए। ऐसे तो हमने रखा हुआ है बहुत कुछ वहां पर, लेकिन अगर आपका बना हुआ मीठा ताजा ताजा मिले तो क्या बात है। और जी आप ये देखें जरा, हमारे सेट पे आज चूड़ियां भी हैं और यहाँ पे भैया मेरे साइज की कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हैं यहाँ पे या नहीं है? एक दो निकालती हूँ मैं भी अपने लिए चूड़ियाँ। और यहाँ पे माशाल्लाह मेहंदी लग रही है, मेहंदी जो कि हुस्न है चांद रात का। आप लोग में से किसी ने लगवानी है, आप तीनों में से किसी ने लगवानी है तो आप मेहंदी लगवा सकते हैं, यहाँ पर मेहंदी लग रही है। और अब हम आते हैं हमारी बहुत ही प्यारी, हमारे आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा होगा, बड़ी बड़े प्रोग्राम्स में गाने गाती हैं, शोज में बड़े गाने गाती हैं, मॉर्निंग शोज में बहुत ज्यादा नजर आती हैं, पिंकी। पिंकी के लिए बहुत सारी तालियां। कुछ गाने ऐसे हैं कि जब भी गाए जाते हैं वो गाने बड़े अच्छे लगते हैं और ये नए गाने में ऐसे गाने बहुत कम हैं। आप लोगों की फिल्मों के बड़े अच्छे आ रहे हैं जी, कुछ कह रहे हैं इमरान? मैं कहता हूं और ये उन गानों में से नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? ये बहुत अच्छा गाना है और बिल्कुल उन गानों में से है। और नदीम लूने वाला ने गाया ये, आपने गाया भी बहुत बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया। आप मोस्टली मैंने देखा है कि आप पंजाबी गाने ज्यादा अच्छे गाती हैं, या आपकी आपका ताल्लुक पंजाब से है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप आपको लग नहीं रहा इनको देख के? इनका ताल्लुक भी पंजाब से है। मुझे लगता है कोई पंजाबियां है या नहीं, लेकिन गाना सबको समझ आया होगा ना? गाना हां है बिल्कुल, आप भी समझ आइए हमें, गाना भी समझ आ गया। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आसमान के सितारे जमीन पे उतरे हुए हैं, देखते रहिएगा चांद से चांद रात तक। जी चांद से चांद रात मुबारक हो। अभी तक हमारे मुंह पे वही पिछली वाली लाइनें चढ़ी हुई है, जैसे हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे मुंह से कुछ और निकलने वाला होता है, 30 दिन वो बोल बोल के इतनी आदत हो चुकी है, लेकिन अब जरा मुश्किल हो रहा है। फिर भी चांद रात आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब हमारे पास एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम ये मटकियाँ आपको सामने नजर आ रही होंगी, इस मटकियों में कुछ विशेष रखी हुई हैं, कुछ ख्वाहिशें रखी हुई हैं, कुछ इच्छाएं हैं। ये नहीं बोला आपने कि मटकियां किसी के सर पे फोड़नी है। कुछ भी हो सकता है, गेम शो जो है ना हिट कराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इन मटकियों के अंदर कुछ सवालात रखे हुए हैं जो कि मैं बारी बारी अपने इन गेस्ट के पास लेके जाऊंगा। आपको अपना कोई इसमें से एक एक ही है इसके अंदर। अच्छा, आप बता दिया कि आपने कौन सी मटकी उठानी है। बस किसी में सांप तो नहीं रखा ना जी? किसी में सांप तो नहीं रखा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आस्तीन में बहुत है, आस्तीन में बहुत है, मटकियों में रखने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भी अपनी पसंद की मटकी चूज कर लीजिएगा, ठीक है? कोई भी घड़वी, और उसके बाद उसमें से जो भी ख्वाहिश लिखी होगी वो आपने पूरी करनी होगी, और अगर आप चाहें तो आप अपनी ऑडियंस से भी हेल्प ले सकती हैं, ठीक है? नहीं नहीं, चाहे नहीं, ऑडियंस के साथ ही पूरी करनी, ऑडियंस के साथ ही, ऑडियंस की ही ख्वाहिश आते हैं। अच्छा, ऑडियंस की ख्वाहिश। चले जी पहली सना से स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, आप सना, मेरे ख्याल आप खुद बता दीजिए आप कौन सी मटकी उठाएंगी।
नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि बाद में कोई बेईमानी हुई। तो होना ये कि जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करनी है, ये कह रहे हैं ना ऑडियंस की सारी ख्वाहिशात। अपना दोस्त बनाना है, उसको बताना है कि तुम जानते हो मैं कितना, आईने को अपना दोस्त बनाना है और उसको बताना है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, यानी कि अपनी तारीफ है। यार ये तो बहुत आसान सी बात है, मैं थोड़ा इसको चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, अपनी तारीफ ही करनी आईने से। नहीं तो चेंज करती हूँ, आईने से आपको अपनी बुराइयाँ करनी है, तारीफें नहीं करनी, बुराइयाँ करनी है, ये ज्यादा मजेदार है। ठीक है, ये आसान है, कर लेगा, ये आसान है। तो ऑडियंस में भी किसी को बुलाना पड़ेगा क्या, किसी के साथ मिलके करना है? ऑडियंस का ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक नहीं है, वही तो आईना सच बोलता है। आपको पता है कि सबसे पहली बात है कि लड़कियां कभी सेटिस्फाइड नहीं होती अपने मेकअप, अपने लुक्स, अपने, सो इट्स नॉर्मल, आई कैन डू दैट। ओह गॉड, ये ड्रेस में बहुत कितना टाइट क्यों लग रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, एक एक सेकेंड, नहीं यार बहुत फेस बड़ा आ रहा है इसमें, बड़ा ये हेयर स्टाइल सही नहीं है मेरा, बड़ा फेस आ रहा है, हां फेस नहीं बोल दिया, टाइट हो रहा तो जरा मोटी हो, बुराई करनी है ये तो अच्छा ही है, अच्छा ही है, तो अच्छा ही है, आपने ड्रेस बुराई करनी है, क्या बुराई है, हां बुराई कर रही हूं, हां मुझे तो बुराई चाहिए, बुराई करनी है ना, ड्रेस की बुराई थोड़ी करनी है, अच्छा बुराई है तो अच्छा ही है, मेरे तालू के बगैर ड्रेस के थोड़ी है, ड्रेस तो मेरे साथ ही है। एक एक और आसान हल बता दो, इनमें से किसी की बुराई करें, मुझे छोड़ के, अपनी मुझे छोड़ के, हमें हमें दिखा दे हमारी बुराई का, ओके ये प्रोफाइल मेरा अच्छा नहीं है, एक सेकंड, और ये वाला ये वही ना, और ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, नो आई थिंक, अरे कोई देख तो नहीं रहा ना, नहीं ओ यार मेरी आंखों का मेकअप सही नहीं हुआ, बहुत आंखों का भी मेकअप सही, मेकअप सही है, मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है ना, नहीं वैसे तो इट्स ऑल नेचुरल, लेकिन फिर भी मैंने तो बुराई करनी है ना, बहुत सारी तालियां सरा के लिए, मैंने कहा मेकअप सही है, मैं लग रहा है अली अली भाई, मुनीब कौन सा मटका तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? मटका नहीं है, मटकी है, मटकी, कमाल, किसकी बुरी इन मटकों में से तुम्हें कौन सा मटका ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? मटकियों में मुझे लग रहा है वो जो सबसे छोटा वाला मटका है ना, जी मटकी, अच्छा ना सबसे छोटे में सबसे बड़ी चीज ना हो, क्या अच्छा ये तो लड़कियों के लिए सही है, अच्छा लड़कियों के लिए, ठीक है ठीक है, लड़कियों के लिए तो फिर हम लड़कियों के लिए है, क्या वो लड़कियों के लिए क्या है, क्या है, चलो अच्छा ठीक है, बहुत ही कमाल चीज है, नहीं लड़कियों के लिए, अब कौन सा, नहीं नहीं ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा, आई थिंक होगा, होगा इमरान अब्बास ने किसी लड़की को चूड़ी बनानी है, लड़की आप बताएंगे, नहीं नहीं मुनीब यही तो होगा, ये तो निकल आया मुनीब, अरे यही तो किया है अभी, मुनीब मुनीब लड़की बताएं किसको चूड़ी बनाएंगे, ये अच्छा ये आप बच रहे हैं इसमें, ये बनाएंगे इमरान अब्बास, लड़की ख्वाहिश हो गई ना, लड़की आप सेलेक्ट करेंगे, इमरान ने कैसे पर्ची बन की, ठीक है अच्छा इमरान अब्बास पहनाएंगे चूड़ियां और आपने उस दुकान पर रश लगाना है, मेहमानों को चूड़ियां पहनवाना है, अच्छा आइए 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 आइए, कौन है वो खुशनसीब लड़की जो सबसे ज्यादा शोर मचाएगी, आवाज नहीं आई सही, एक दफा आपने रश लगाना है, रश लगाना, आपने क्या रश, कैसे रश कैसे लगाते हैं, इनके कपड़ों में ये मैच कर रही है, अच्छा रश कैसे लगाते हैं, रश कैसे, जी तो खवातीनों हजरात नहीं सिर्फ खवातीन, आप लोगों के लिए आज हमने सेल लगा दी है, इमरान अब्बास के हाथों से पहनिए चूड़ियां और बनाइए अपनी ईद खास, इमरान आप समझे कि आप कोई ड्रामे के कैरेक्टर कर रहे हैं जिसमें आप चूड़ी वाले हैं, चूड़ी वाले, चूड़ी वाले, ये कोई मामूली चूड़ी नहीं, ये सवाद से खुद लेकर आ रहे थे और ये पर्ची छुपा के वापस रख रहे थे मटकी में, ये स्मगल होके आई हुई चूड़ी, चूड़ी वाला चूड़ा, अल्लाह ना
करें जी पिंक पिंक चूड़ियां पहनने के लिए आइए काम मैंने जिंदगी में कभी नहीं लाई है नजर तो आए आप कैमरे में गोरी गोरी कलाइयों से नहीं आ रही बड़ी वाली बड़ी वाली भाई बच्ची का हाथ बहुत बड़ा है कुबरा एक दफा याद है मैंने आपको पहनाई थी शायद चूड़ी नहीं ये हिफाजत है चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है देखो देखो टूटे ना जबरदस्त यार क्या हाथ है अंडरटेकर वाला मुनीब जाओ पतले हाथ वाली पहली पहली नाजुक 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 किधर से आ रहा है इधर इधर नाजुक कौन है नाजुक किसको किसको लो आ जाओ बच्ची को ले लेते हैं आ जाओ बेटा आ जाओ सबसे नाजुक और अब मुनीब अब थोड़ी आप बनाएंगे मुनीब ये मार्केटिंग मैनेजर प्लीज आप मेरी जगह संभाले मार्केटिंग मैं मार्केटिंग ब्रांड मैनेजर ये पिंक वाली ले रहे हैं या ब्लू ले रहे हैं जो भी आइए पहनिए नाजुक नाजुक हाथों में मजबूत चूड़ियां चलो बेटा शाबाश जी दी रहो थैंक यू सो मच थैंक यू तशरीफ ले आइए इस तरह तो सारी चूड़ियां बिक जाएंगी हमारी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में जी कुबरा भी आप चूज कर लीजिए अच्छा कोई भी उठा लेती हूं चलिए ये वी कैन जस्ट रीड इट आउट देयर गो आई रीड इट आई लेट यू इतनी लंबी लंबी फेंके कि यहां बैठे लोग हैरान हो जाए कहते कि आप चांद से होकर आई हैं इतनी लंबी लंबी फेंकू किस चांद पे जाके पाकिस्तान का झंडा गाड़ने वाली मैं पहली खातून हूँ हाँ, मैं यही कहती हूँ कि चांद पे जाके मैं जुपिटर से होके आई हूँ और मैंने पिंडोरा भी जाके देखा है मैं एवटार में एक्टिंग करके आई हूँ और मैंने ऑस्कर भी जीत लिया हुआ है हेलीकॉप्टर तो आपका था ना बाहर जो पार्किंग में जिसके हाँ जी हेलीकॉप्टर मेरा ही था एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर में आज मैं सेट पे आई हूँ और एक और आ रहा है मुझे लेने तो क्योंकि जो मैं आती हूँ उस पे वो वापस नहीं जा सकती आई हैव टू गेट अनदर वन बिकॉज़ दिस वन इज यूज्ड इट्स नॉट गुड एनफ फॉर मी बड़ी अच्छी तरह निभाई आपने अपनी मटकी की पर्ची जी अली से अगर चेक कर लें तो मैं तो बहुत ठंडा और माठा आर्टिस्ट हूँ आपकी तरफ अब देखें क्या क्या है पर्ची छठी ख्वाहिश छठी हुई ख्वाहिश यहाँ बैठे सारे मेहमानों के बारे में आज आप क्या सोच रही हैं लिखा था जरूर सोच रहे हैं पाकिस्तानी गानों से इजहार करके बताना चाहिए बताना वाह वाह बात सही का आया आपके पास सही आया बिल्कुल सही आया क्या बात है तो क्यों ना उधर जाके उधर जाके उधर जाके उधर जाके उधर जाके पाकिस्तानी गाना से बताना है तो पाकिस्तानी आपका गाना ही तो है इन सब के लिए नहीं नहीं वहाँ उन लोगों के लिए अच्छा ठीक है अच्छा आ गया बिल्कुल काम का आ गया बात है बहुत ही खूबसूरत गाना और मैं चाहती हूँ कि हमारे म्यूजिशियंस द बैंड के लिए भी बहुत सही तालियां बजाएं दासर बैंड जी अनुशे तुम सोच रहे हो कि मेरी बारी नहीं आई शुक्र है मैं बच गई शुक्र है कि मेरे पास वो वाला नहीं आया बिल्कुल भी नहीं अनुशे शुक्र है मेरे पास वो वाला नहीं आया जो उनके पास आया जी है ना I'm not ready for this. ऑडियंस में से बुलाएं एक पार्टनर और करनी है उसके साथ अदाकारी एक खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ गया आशिक भिगारी मैं आशिक और मैं भिगारी ये लड़का बुलाना पड़ेगा ऑडियंस में से वही होगा आशिक
नहीं आपको खूबसूरत भी दिखा सकते हैं। ऑडियंस में से बुलाएं एक पार्टनर। मैं खूबसूरत लड़की हूँ, मैं शर्माऊंगी। मैं अपनी तारीफें सुनूंगी और शर्माऊंगी, मैं लड़की हूँ। हाँ? अच्छा चलें फिर हम अली के लिए रख लेते हैं। हाँ तो भाई आप में से कौन समझते हैं आप सबसे अच्छे एक्टर हैं? किसको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है? बहुत अच्छी, क्योंकि लड़का बनना पड़ेगा इसमें तो। कौन है, कौन 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 कौन? आप आइए, माइक लेके आइए, साथ माइक ले आइए, माइक लेके आइए। आइए, आप मुझसे शर्माएंगी, मैं आपसे शर्माऊंगी, आप कैसे लड़का बनेंगी? है ना, माइक माइक ऊपर बन जाएंगी। ठीक है, छेड़ना है आपने मुझे, यही करना है ना, एक्टिंग छेड़ने की करनी है ना। ठीक है, सही है। तो मैं आप डायलॉग बोलें अपना। आप तो कहती हैं कभी तो किसी ना, हाँ, छेड़ना तो पड़ेगा। नहीं, आप भिखारी भी हैं और आप बाजी बात तो सुने। बाजी बाजी इसका तो बात सुनेगी, यही तो बात खत्म। भाई भिखारियों को आदत होती बाजी बोलने की, छोड़ दो। छेड़ने वाला भिखारी, ये दो नंबर भिखारी है, छेड़ दिया। और ये बाजी कह दिया छेड़ते हुए, छेड़ने से पहले ही बाजी कह दिया। क्या क्या मजा है कि इसको उल्टा कर दें। आशिक भिखारी आप बन जाए और खूबसूरत लड़की ये बन जाए। अच्छा ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा, है ना? अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूं। चलिए जी शुरू, हेल्प करेंगे ना, आ जाए बीच में, आ जाए थोड़ा सा, ताकि कैमरे डायलॉग बताइएगा जी। अब आएगा मजा। चलिए ये शॉपिंग करके निकल रही है, शॉपिंग करके निकल रही है और आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ से जरा गुजर जाएं, वहाँ से आप कुछ चूड़ियां शुड़ियां लेके आ रही होंगी, ठीक है? और यहाँ ये जो है ना, ये अपने काम से लगा हुआ है। हाँ ठीक है, ये कमबख्त भिखारी आ जाए। आप यहाँ से गुजर रही हैं, वहाँ से आप राबी सेंटर से कहाँ जा रही हो? मैं बना देता हूँ चूड़ियाँ, मैं बना देता हूँ, लाओ। क्यों? मैं नहीं खेल रही। इनका माइक, माइक जी, माइक भूला है। लाओ मैं चूड़ियां बना दूं। क्यों? इतनी प्यारी हो, अपने हाथों, अपने हाथों से मैं तुम्हारे नाजुक हाथों में चूड़ियां बनाऊंगा। ये नाजुक हाथ नहीं है, डोले देखो, डोले हाथ नहीं है। सब मुझे इस तरह डराएंगे ना तो मैं बैक स्टेज चली जाऊंगी। ये तो चीड़ी है, ठीक है, आशिक भिखारी हूँ, मगर मतलब ऐसा थोड़ी है कि पिट जाऊंगा। लड़कियों को ये मारने का तो आपको कहा ही नहीं, मैंने तो हाथों का कहा है। हाथों से ही डर लग रहा है ना, मुझे लगा आपकी उम्मीद नजर आई है, उम्मीद नजर आई है। मुझे लगा मैं आपके नाजुक हाथों में चूड़ियां बनाऊंगा तो शायद आप इतने भारी हैं, चूड़ियां नहीं पहना सकोगे। गंदी से बद्दुआ दे दो, अल्लाह तुम्हारा घर पहुंचने तक मेकअप पिघल के पानी हो जाएगा। थैंक यू, चूड़ियां आपकी हुई, ले जाएं। थैंक यू। अली रहमान रह गए। इमरान को दिल जा रहा था कि वो लड़की वाला रोल ये करेगा। क्यों इमरान बता दो, तुम कह रहे थे मैं ऐसे बोलो, अल्लाह सारी हो गई, चलो कोई नहीं, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। अब तो सारे गेम्स हो गए, एनीवे इट्स लाइक पार्ट करो। अल्लाह तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह तुम्हें शर्म नहीं आती भैया? इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, ब्रेक का टाइम हो गया। आपका हो गया एक था? हां नहीं, ब्रेक का टाइम हो गया, रह गया नहीं, अली रह गया ना, नहीं हुआ, नहीं हुआ, खत्म हो गया। अबे चुप करो यार, ये पर्ची, आपने पर्ची फिल्म में काम किया था, आपकी पर्ची गायब हो गई है, देख लें पर्ची बना लेते हैं, पर्ची बना लेते हैं, ये क्या बात है, चैलेंज बना लेते हैं। ये इनकी स्ट्रॉन्ग पर्ची थी, निशानी है, इस चांद रात पे निशानी है कि कहाँ चली गई ये, किसकी पर्ची है, जैसे मैं ये देखती हूँ, एक यहाँ पे पड़ी हुई है छोटी सी, आपकी पर्ची नहीं है, पर्ची होती है ना, पर्ची, किसी का तावीज दबा हुआ था, ये भी इनकी थी। यस चले फिर हम अपना ही कुछ आपको, हम चले आप बताएं मुनीब को क्या करना चाहिए, मुनीब बताएंगे, अली बोलना चाहिए। जो है वो एक बॉय है और इनको एक लड़की से बहुत प्यार है और ये लड़की की माँ मान नहीं रही रिश्ते के लिए और ये जाते हैं कि आंटी अब तो ईद भी आ गई है, कुछ मीठा हो जाए। तो वो लड़की है, चले ठीक है, ये लड़की की माँ और आप लड़की, मैं लड़की की माँ हूँ, ये लड़की की माँ है और आप इनसे रिश्ता लेने आए हैं। अच्छा हम बहुत रिच हैं और ये जॉब कर अभी अभी स्टार्ट हुई है और हमारी फैमिली बहुत सही है, आ जाइए जी माँ जी, मैं भी बाप बन जाता हूँ, जल्दी आप नहीं जाएं, आप ही आप आएं, नहीं मैं बाप हूँ, नहीं माँ हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बाप, नहीं आप माँ हैं, नहीं नहीं अब हो गया, अच्छा चलो, चलें जी, आंटी
आंटी तू आंटी कैसे बोला यही से रिश्ता कैंसिल दरवाजा बंद करके जाना आंटी गुस्सा मत हो फिर क्या हो आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ कब से चल रहा है अच्छा अम्मी बड़ी समझदार लग रही है अम्मी अपने जमाने की लग रहा है जब से मैंने पहली दफा उसको देखा शुक्र है आपके साथ नहीं देखा अच्छा वो तुम थे वरना मुझे काफी परेशानी हमारा कैरेक्टर सही नहीं लगा अभी सोचना पड़ता इनके अब्बू जब होंगे तुम तब आना अगर अम्मी ही ऐसी हैं तो अब्बू कैसे बेटा कितना कमा लेते हो वैसे आंटी बस गुजारा कर लेते हैं गुजारा जी आंटी वो छोड़ ना पाते मुनीब तुम अपने सवाल जो मेरे सवाल किए गए थे ना वो करना शुरू बात हो रही है मेरे प्यार की जो आपकी बेटी के साथ मुझे हो गया बिल्कुल आपकी तरह नहीं लगती खूबसूरत है वो और अम्मी तो खुद ही शर्मा रही है मैं चाहता हूं कि अम्मी वो आपके रिश्ते के लिए नहीं आया वो बेटी के लिए हाथ मैं चाहता हूं कि बहुत गड़ी आ रही है बेटा कि अब्बू का 10 बरस पहले इंतकाल हो गया था मैं भी बगैर अब्बू के जिंदगी गुजार रही आपके पापा क्या करते हैं वो भी यही करते हैं कंट्रोल आना कंट्रोल आंटी यहां मैं रिश्ता लेने आया हूं बस मैं सभी चलो बेटा इजाजत लेना चाहता हूं इसकी एक और बहन भी है तुम दोनों ले मेरे ख्याल मुंह मीठा कर दिया रिश्ता पक्का हो लड़की आ गई लड़की चल 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 मुंह मीठा करे जी रिश्ता पक्का हो गया पक्का हो गया प्लीज मुंह मीठा कर नहीं अरे अरे आगे हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ वापस आएंगे और ये प्रोग्राम हमारा आज चांद से चांद रहा किसी तरह हम देख रहे हैं कंटिन्यू होगा आप चलें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ वापस आते हैं मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद मुबारक हो आप देख रहे हैं मेरे और इमरान के साथ चांद से चांद रात तक और हमारे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि बगैर वक्त ज़ाया किए हम सलीम भाई से कोई गाना सुनते हैं बहुत अच्छा सा क्योंकि बड़ी देर से बैठे हुए इतना सा इन्होंने एक मुखड़ा सुनाया था बस और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी देर हो गई है और आपसे हमने कोई ज़बरदस्त गाना नहीं सुना क्या बहुत मुश्किल हो रहा है इतनी देर खामोश बैठना है ना चांद रात है जी और चांद रात के हिसाब से ये गाना है मजेदार गाना है ये काफ़ी वैसे तो ये बहुत पुराना फोक सॉन्ग था मगर इसको बड़ा थोड़ा सा चेंज किया आपको पता है मैं रिमिक्स के अंदर मैंने बहुत हाँ बहुत सारी चेंजेस की हुई हैं इसके अंदर बहुत सारी तालियां चले और अगर ये सारे दोस्त हमारे साथ होंगे आपके साथ हैं बेफिक्र हैं आएंगे जी आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा इस गाने का और चांद रात भी है तो रातों को आने की सबसे ज़्यादा खुशी उस वाले भाई को थी क्या चांद चांद रात तो कुछ सेटिंग वेटिंग हुई भी थी नहीं खुशी दिखाने का हर इंसान का अपना अलग अंदाज है चांद रात को उन्होंने कुछ सेटिंग की हुई थी उन्होंने कहा था कि चांद रात को मिलना है रमजान के बाद ओ अच्छा अच्छा ओ उन्होंने कहा नहीं सेटिंग पहले हो चुकी है तो फिर अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाइए आपके लिए बहुत सारी तालियां आप जैसे जिंदा दिल लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में बेगम ठीक है भाई जी अब वक्त है आप लोगों की एक्टिंग स्किल्स को चेक करने का जी फिर मतलब अभी तक हमें यकीन नहीं आया सना कि आप कितनी अच्छी अदाकार हैं इतने अवार्ड्स लेने के बाद भी आपके चलिए सही है फेंटू इसको अच्छी तरह यार ये कौन कर दादा क्या करती है यहां से की शुरू करें वहां से शुरू करें बस शुरू करें ये ले शफल कर लिया हो गए शफल वहां से शुरू करें अच्छा अली ये तबर्रुक है इसको दूसरा ना देखे इधर खड़ा करके खड़े हो जाइए अच्छा इधर इधर उधर इधर आइए मेरी डम शॉट खेल रहे हैं अच्छा और आप इस साइड पे अच्छा डम शॉट खेल रहे हैं ये तो मैंने नहीं उठाया मैं कुछ और उठाऊंगा उनको बताना है इस नहीं इनको इनको बताना है आपकी टीम ये है आपकी टीम ये है मेरी टीम ये है अच्छा अच्छा जी इस साइड पे इनको आप बता सकते हैं नहीं नहीं इनको भी नहीं बताना है इनको नहीं बताना है मैंने इनको बताना है अच्छा अगर ये नहीं पूछ पाएंगे तो फिर ये बताएंगे क्या ये क्या लिखा ये वो फिल्म का गाना है ठीक है ओके हां वो बोलने वाली थी मैं चल हमने आपको बता दिया कि गाना है ठीक है ओह गॉड ये कैसे करेंगे पहले वाला ही कर लेता है क्या मेरे तो फंस गया ये हम कैमरे को तो दिखा सकते हैं ठीक है इट्स अ सॉन्ग सॉन्ग है सारे सॉन्ग्स हैं हिंदी उर्दू अपना पाकिस्तानी
पाकिस्तानी हाँ ओके मूवी का या मूवी का पांच फिफ्थ वर्ड बता रहे हैं आप फर्स्ट वर्ड बता रहे हैं ओके मैं सेकंड वर्ड ओके थर्ड वर्ड बता रहे हैं ओके मैं चार पांच छह सात आठ नौ मैं हो गया ओके थर्ड वर्ड हम गैस कर रहे हैं ओके मूवी में पाकिस्तानी मूवी है फिल्म की और थर्ड वर्ड ओके एक दो तीन चार पांच पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह वो खुद ही हेल्प कर रहे हैं ना नहीं 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 कंप्यूटर आप मिसगाइड कर सकते फोन खींच मेरी फोटो फोन कॉल नंबर हाँ मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी जो ये आपको फॉरेन एड मिली थी पंजाब से आप मुश्किल था मुश्किल था उसका एक्टिंग करना भी और आपको बूझना भी दोनों ही मुश्किल था है ना अच्छा इधर आ जाइए इधर आके खोलना ठीक है अब आपको बारिश के क्या है अच्छा ओके दिखाओ दिखाओ तो इसमें कैसे वर्ड से बताऊं नहीं नहीं जैसे भी आप बताएं एक्टिंग करके बताएं ओके थोड़ा इस साइड पे आ जाएं इस साइड पे ताकि कैमरा आपको सही से कैप्चर कर दे क्वेश्चनिंग तो गाना मूवी यस इंडियन और पाकिस्तानी पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी सारी पाकिस्तानी जी बिल्कुल ठीक है गाना बहुत फेमस है ओके बस बोलना नहीं ज्यादा हां तो क्या ये गाना थोड़ी बता रही हूं बताऊंगी तो पता चलेगा ना उसको कितने वर्ड्स हैं हां कितने वर्ड्स ओके उसका हुक स्टेप क्या था ये हुई ना बात वो फिल्म टूटी फ्रूटी या नहीं तो हां ने उन्होंने एक्सेप्ट किया उसका ये तो बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल आ जाओ मुनीब मैं तुम्हारे साथ हूँ उर्दू में अल्फाज है ना ओके उर्दू में अल्फाज है गाना है इंग्लिश इंग्लिश फिल्म है इंग्लिश गाना है इंग्लिश प्ले है अच्छा कुछ भी उर्दू फिल्म इंग्लिश गाना पाकिस्तानी पाकिस्तानी गाना है बहुत पुराना बहुत पुराना बहुत हम सब भी अहेड ऑफ टाइम पाकिस्तानी गाना है बहुत पुराना हाँ चम्मा चम्मा नहीं कितने वर्ड्स कितने हैं चार वर्ड पहला चौथा वर्ड छुलबुली छुलबुली मिठाई मीठी मिठाई मीठा स्वीटी इज द फोर्थ ओके ओके पहला उससे पहला सेकंड 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 मुझसे नहीं आ रहा टॉकिंग 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 स्पीकिंग singing singing okay ha sing sing talk speak say okay some say I'm sweetie yeah nice nice I think pehle bhi chal gaya hai mushkil hai mushkil hai bade aasan hai mujhe samajh aa gaya tha magar ha main bhi aa gaya andar ka magar bhi aa gaya tha ab usme act karne ka chance kabhi apne mein aaya kya kabhi aisa lekin mujhe gana nahi pata you acted so well samajh aa gaya tha बारिश नो सॉरी हवा हवाएं हवा 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 हो गया वाओ गुड गाइस यू डिड सो वेल
Salim Bhai. I wish reject kiya. I know. Itna aasan hai. But I didn't know the song. So I was like, oh, so usne suna bhi nahi. Suna bhi nahi tha. Oh, ye to bahut aasan hai. अब हम इनकी एक्टिंग स्किल्स भी देखेंगे जब उन्होंने मूवी में काम किया था तो हम देखते हैं किस तरह काम किया नहीं आप हमको क्यों दिखा रहे हो सबसे ज्यादा दिखा दिया आपने तो देख लिया सबसे ज्यादा अभी हमारे पास नहीं जवेरिया इधर आए ना अच्छा नहीं तो दूसरा दे देते हैं टेंशन होती है जब हमको एक्टिंग का दे देते हैं उनको टेंशन शुरू हो जाती है बस अब आप अगली किसी मूवी में आने वाले हैं अगर अच्छी एक्टिंग कर ली आपने हाँ सॉन्ग ही है ये सारे पाकिस्तानी है हाँ गाने में वर्ड है सेल्फी गाने में वर्ड है सेल्फी गाने में कौन किस गाने में सेल्फी हाँ है ना वो कौन सा मावरा गई था ना सेल्फी ओ खींच मेरी फोटो नहीं वो इंडियन है जानते हुए ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई लास्ट वर्ड पहला वर्ड या फर्स्ट वर्ड क्या फर्स्ट वर्ड आपको पता ही नहीं भूल रहा आपका पहले तो हमने सेल्फी ले रहे हैं अगर बात सुनी जवेरिया यार इतना आसान गाना है सेल्फी जवेरिया वर्ड सेल्फी वर्ड सेल्फी से पहले क्या है सेल्फी नाइन सेल्फी के आगे गाने का नाम है सेल्फी 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 चलो हम भी गाएंगे क्या सलीम भाई आ जाओ फन का इंतजार ना करो आ जाओ सेल्फी आ रहे सेल्फी आ हमें कौन मिलना चाहिए ना चार सालों में पाकिस्तानी फिल्मों में आठ ही तो गाने आए इतना आसान था उन्होंने बेचारे ने इतना हाय रे तेरी तेरी आप सुने अब वो धुन तो बता नहीं सकते थे बेचारे चलो मुंह से गा के बता रहे थे लेकिन लिया सुनो सिर्फ सेल्फी हमारा हो गया ये पॉइंट हमारा हुआ ना पॉइंट हो गया चलो क्यों भी आंसर ऑलरेडी नहीं हमने भी से कर दिया है हमने कर दिया अब हमारा नहीं हम करेंगे ना फिर भी नहीं लेकिन हम जीत गए हां वी विल विन अगर आप नहीं कर सके तो फिर आप बराबर हो जाएंगे ना हां चलिए ओके पहले ही जीत गए ठीक रह गए चाना चार वर्ड ओके चौथा लव पहला म्याऊ बिल्ली बिल्ली मैं हूं बिल्ली मुझे कहते हैं बिल्ली मुझे कहते हैं बिल्ली हां देख लो देख लो मुझे याद है कि शो के शुरुआत में बहुत बातें हो रही थी वो वाली साइड बहुत हैवी है ये साइड हल्की है लेकिन कौन जीता भाई लड़कियों की टीम जीता इतना आसान हम लोगों को इतने मुश्किल आप लोगों को सेल्फियों सेल्फियों मिले वेरी इजी सेल्फी बोली जा रहे गाना नहीं बोल रहे सेल्फी बोली जा रहे गाना नहीं बोल रहा लेकिन बहुत ज्यादा भी बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है सेल्फी सिर्फ एक ही गाना आया हमारे मूवी के अंदर और वो भी अभी थोड़े दिन पहले ही एक ही तो गाना नहीं नहीं एक ही गाना अब मैं कह रहा हूँ तीन चार सालों में आठ ही तो गाने आए पाकिस्तानी फिल्मों के जो हिट हुए हैं उसमें भी प्रकर हमारी इंडस्ट्री में देखा जाए टूटी फूटी वुड हैव बीन वेरी हार्ड लेकिन नहीं इनके फिल्म के भी गाने फेमस हुए पड़े थे वो फिर स्टेप करके दिखा बिल्लो बिल्लो वाले जो क्या था बिल्लो डब बिल्लो हाय हाय बिल्लो इट वाज वेरी फेमस शुगर करें कि पुराने गाने नहीं पूछे आपने सबसे आई एम स्वीटी यार ये सारे गेम्स हम सबसे आई एम स्वीटी खेलना चाहिए ना ये वाला गेम एक तो होना चाहिए इमरान भाई आपको हम 30 दिनों से गेम खेल रहे हैं चलो एक हो जाए 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 ओह नहीं नहीं ओ यार यही वाला यही वाला हाँ जी किससे पूछूं मैं और किससे क्या मतलब यार चले ओके चलो How many words? Five words. हम भी कैसे कर रहे हैं उसको? हम हेल्प करेंगे उसको? Anyone can. हम हेल्प करेंगे? बिल्ली, वोसा, ये क्या? टाइगर, शेर, शेर. टाइगर कौन सा गाना था भाई? बिल्ली, हैमान, बिल्ला, बिल्ली, बिल्ली, बिल्ला, बिल्लियाँ, चीता, दरिंदा, टाइगर, बिल्ली, बिल्ला, बिल्लू. अच्छा अगला बताओ छोड़ो अगला बताओ. Fourth word करवा सकते हैं. Third word. Fourth word. Fourth word. लाल 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 ग्राम ग्राम लौड़ी तेरा लाल ग्राम मैंने रख ली अपनी टीम की इज्जत
अब आप बताइए उधर इसको। अच्छा हमारा ठीक है, सही हो गया हम लोगों का। क्या क्या हम तो जीत गए वैसे। हाँ, हाँ, हम तो जीत गए। हाँ, हम जीत गए। चलो आप लोगों ने आगे बढ़िए एहसान किया था हमारे ऊपर आपने। आगे बढ़े उनकी वजह वो नहीं गेस कर पाए थे ना उनका वाला, इसलिए आपसे कहा। अच्छा अच्छा ऑलरेडी जीत गए। कितने बहुत नेक लड़की हो भाई तुम लोग, माशाल्लाह। हां कन्वर्ट कन्वर्ट जन्नत नसीब करे। हां शो में रहे हैं जी। हां जी तो अब जो है हम आपको बड़े दुखी दिल से कह रहे हैं कि कुबरा को जो है वो कहीं जरूरी जाना है, और हम नहीं चाह रहे थे कि हमारा शो जो है आपके बगैर। वैसे तो हमें भी जाना है, लेकिन हाँ आप सबको ही जाना है। हम सबको जाना है, जाने घर में भी जाके चालना जाना है। तो थैंक यू सो मच। और चांद रात पे आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? आप यहाँ पर हैं, आपकी फैमिली आपको देख रही है, उनको कोई मैसेज करना चाहती हैं? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देती हूँ जब भी मैं ईद घर से दूर स्पेंड करती हूँ, कि ईद एक्चुअली फैमिली के साथ ही होती है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग, जो जो लोग अपने मुल्क से बाहर हैं, फैमिली से दूर हैं, चाहे ड्यूटी पे हैं, काम कर रहे हैं या फौज में हैं, जो जो टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, चेरिश दैट, क्योंकि इट्स वेरी स्पेशल। वी डोंट नो कि आपको कितना टाइम, आपके पास कितना टाइम है उनके साथ स्पेंड करने के लिए। सो चेरिश एवरी सेकेंड, एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सबकी ईद बहुत 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 अच्छी हो। थैंक यू सो मच। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा एक्सप्रेस पे चांद से चांद रात तक। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली रहमान ने मिठाई की एक अदद तस्वीर अपने स्नैपचैट पे पोस्ट कर दी है। जी तो हम वापस आ चुके हैं, और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्पर चैलेंज। विस्पर चैलेंज में ये होगा कि हम आपको एक सवाल, एक लाइन होगी, वो इनको सुनाऊंगा, इसका मतलब है कि वाकई उनको आवाज नहीं आ रही, और इनको मेरे होंठों की जुंबिश से अंदाजा लगाना होगा कि मैंने क्या बोला। जवेरी आप कहेंगे या नहीं? आप कह रहे हैं, पहले मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज मुझे वैसे भी नहीं इतना सुनाई दे रहा है इसको लगाने के बाद। हाँ, म्यूजिक शुरू। ओके स्टार्ट ऑफ। अरे अरे ओके जी सना, आर यू रेडी? पहली लाइन है चांद रात है और घर में मेहमान आ रहे हैं। चांद रात है और घर में मेहमान आ रहे हैं। आप लोगों का आवाज आ गई? नहीं आ गई। ओके एक दफा और। बाकी जो चांद रात है और घर में मेहमान आ रहे। मेहमान, हाँ एक चीज समझ में आई। ओके मेहमान, फिर से एक सेकंड, एक सेकंड, फिर से बोले। चांद रात है और घर में मेहमान आ रहे हैं। चांद है, हाँ ओके ठीक है, चांद है और मेहमान है, पता नहीं क्या और मेहमान है, चांद है और मेहमान है, चांद है और मेहमान है। चल मान लेते हैं, मान लेते हैं। ओके चांद रात है और घर में मेहमान आ रहा है। सना बस बस सना। ओके ओके क्या है? चांद है, चांद रात है और घर में मेहमान आ रहे हैं। चलो ऑलमोस्ट चांद रात है। आओ हमारी टीम से चांद रात। अच्छा अब इधर आ जाएं, उधर ही करते हैं। चलें हां जी, उधर ही उधर पंजाब से पूछना। आप ही पूछिए। ओके मैं पूछूं? अच्छा बॉयज से मैं पूछूंगी। और स्टॉप करूं? ओके मुश्किल, आप ऑन करूं? हां जी कर दीजिए। इनको माइक दे देना, आप आवाज आ रही मुझे? आप मुझे जहर लगती हैं। ये लिखा हुआ है? हाँ बहुत लंबी लाइन थी, पता चला कि सारे हंसे। माइक पे बोलो ना, माइक पे बोलो। सारे हंसे हैं। पूरी लाइन थी कि जिस तरह बिल्ली और चूहे की दुश्मनी है, इस तरह आप मुझे जहर लगती हैं। लेकिन मैंने ये पूरा नहीं कहा, मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है, क्योंकि पंजाब से मुझे बड़ा प्यार है और पंजाबियों से। चलो आप मुझे, आप मुझे, मुझे जहर लगती हैं। डर लगता है। ये भी सही है। आप मुझे डर लगता है। देखो सही है। नहीं आप मुझे
जहर लगती है। आप मुझे जहर लगते हैं। बहुत बंद हो गया था, आपने गैस किया है या आपने कहा है? नहीं नहीं, काट दी, आधी कर दी। मोटी तो कहा था? नहीं नहीं मोटी नहीं, ये पूरी लाइन थी। देखिए इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं था, ये ऊपर से नहीं, नहीं यार। जिस तरह बिल्ली और चूहे की आपस में, अगर इस तरह की बात होती तो हम ये देखिए ये लाइन जो है वाकई कभी भी नहीं हंसते। इस तरह की तरह बिल्ली और चूहे की दुश्मनी है, इस तरह आपके जहर लगती है। मेरे इसमें कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं, मेरे लिए जज्बात शामिल नहीं। उन्होंने आधा कर दिया, मैंने पूरा नहीं बताया। मैंने कहा नहीं, उन्होंने आधा बोला। असल में इन्होंने जब जहर बोला ना, इन्होंने इस तरह करके बोला। एक सेकंड, आपने सोचा होगा हमने लड़ा तो अच्छा लोग आपको देखते हैं। भाई एक्टर होने का यही तो फायदा है। आप मुझे, इन्होंने बहुत प्यार से बोला आप मुझे, मैंने कैसे जहर लगा। ऐसे एक्सप्रेशन आपने जिंदगी में पहले भी नहीं देखा। यार ये जहर वाले एक्सप्रेशन कहां से आपने मुझे यही कहा था? कैसे आप मैं अनुषा की बारी जी। अनुषा लेकर ये है ना, जहर जहरीला एक्सप्रेशन सही है। विश कन्या रेडी? या प्ले। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चले ये ओवर एक्टिंग कर रही है, इसका मतलब इसको आवाज आ रही है। गाना अच्छा है, गाना अच्छा है इसका। चलो, अगर अगर कोई विलन ना हुआ तो शादी हो जाएगी। ये इतना लंबा, ये क्या? अगर कोई विलन ना हुआ तो, अगर पता नहीं क्या ना हुआ तो शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी? हाँ, शादी हो जाएगी। किसकी शादी हो जाएगी? अगर कोई विलन ना हुआ तो शादी हो जाएगी। भाई देखिए ये जुमले हैं, इसको पर्सनल ना ले आप लोग। अगर कोई विलन, मैं विलन तक पहुंच ही नहीं सकती थी वैसे। अगर उसके बाद बस आधा, अगर कोई विलन ना हुआ तो शादी हो जाएगी। ये कहां से मुख्तस किया गया जुमला? बहुत उम्दा जुमला था, अदब उर्दू उर्दू अदब की चीखें निकल, अदब की चीखें निकल गई। इस पर करते हुए ख्याल रखना चाहिए। उधर भी मुश्किल वाले थे, मैं हूं ना, अब तो मुश्किल वाले समझ रही है मुझे। ये लो, और ये पूरी बिल्ली वाला जो है ना पूरा हो गया या सॉन्ग। अब ये अखलाई मखलूक इधर। मैं एक वहशी दरिंदा हूँ। बिल्कुल सही कहा। मैं दोबारा करें क्या? मैं एक वहशी दरिंदा हूँ। ऐसा तो बोले यार। मैं एक वहशी दरिंदा हूँ। मैं एक वहशी लड़का हूँ। यार आपने वहशी और दरिंदा कैसे समझ लिया? क्या मैंने कहा वहशी दरिंदा? मैंने फैसल के शो में किया था, वहशी दरिंदा समझ ही नहीं आया था किसी को। मैंने लड़का कहा, लड़का कहा है, मैं यही लड़का कह रही हूं। अरे मैं दरिंदा बोला था। अच्छा, फिर भी सही है। ठीक, मैंने सच बोल दिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने सच बोल दिया। प्ले करें और आप चेक करिए, और दरिंदा एक ही बात है। फुल आवाज था। हां जी, मुनीब को सब कुछ नजर आता है, आवाज आती है। इट्स ऑन, इट्स ऑन। नहीं चेक कराएगा मैं ऐसे करके। हां जाओ जल्दी से चेक करो। सलीम भाई जरा कान लगा के सुनिएगा, आवाज आ रही है आपको गाने की? सलीम भाई का गाना लगा। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। सच बोलो, नहीं आ रहा। मैं चीचों की मलिया में जाके चने खाऊंगा। क्या? थोड़ा अजीब सा साउंड हो रहा होगा नहीं? मैं चीचों की मलिया में जाके छोरी मैं चीचों की मलिया में जाके छोटी चीचू चीचू की मलिया चीचू की मलिया में जाके बिल्ली का बच्चा। मैं चीचू की बिल्ली का बच्चा। इनको नाम नहीं पता शायद इस जगह जगह। मैं वाह, मैं चीचू की मलिया में, मैं चीचू की बिल्ली का प्ले। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे, मैं चीचू की मलिया में जाके चने खाऊंगा, चली जाऊंगा, खा जाऊंगा। बस बस हो गया, हो गया। बहुत अच्छे, मुनीब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चले लास्ट, मैं चीचू की मलिया में जाके चने खाऊंगा, खाऊंगा आखिरी। हाँ। खाऊंगा। क्या खाओगे? मैं चीचू की बिल्ली के घर जाके खाऊंगा।
बस सही हो गया, हो गया, फिर ये क्या हो गया, बस ठीक हो गया, हो गया, very good, very good, very good, हाँ, exactly, हाँ, हाँ, सही है, सही है, exactly, सही, बस सही कह रहे हैं, मैं चुचू की मलिया में जाके चने खाऊंगा, मेरे अब्बू और उनके अब्बू भी साथ में होते हैं ना, तो भी नहीं गैस कर पाते, चलिए भाई बड़े वैसे ये इसने सबसे अच्छा प्ले किया, ये मजा आया, हम तो क्या सीधी सीधी गेम खेल रहे हैं, कितनी जल्दी है? आसान था यार, मेरा तो चीचू की मलिया पता नहीं क्या आ गया, अभी तक नहीं समझ में आया, ओके इट्स ऑन जी जी, हाँ प्ले है, कैसे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करूं? आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, गाना नहीं गाऊंगा, आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, कभी गाना नहीं गाऊंगा, आमीन, पहले चश्मा उतारे, चश्मा उतारे, मैं तौबा करता हूँ, हाँ तौबा करता हूँ, ऐसा बोलो, तौबा करता हूँ, हैंड माइक देना जरा, मैं तौबा करता हूँ, तुम्हें तौबा, तौबा करता हूँ, टोपा, हाँ टोपा, तौबा तौबा तौफा, तौबा तौबा, मैं हाँ तौबा करता हूँ, तौबा, हाँ मैं तौबा करता हूँ, लगाता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद गाना नहीं गाऊंगा, आइंदा गाना गाऊंगा, उन्होंने अपने मतलब की बात निकाली नहीं, आज के बाद गाना नहीं गाऊंगा, आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा, दोबारा आज के बाद गाना नहीं गाऊंगा, आज के बाद गाना नहीं गाऊंगा, गाना नहीं गाऊंगा, अब तो मैं जरूर गाऊंगा, फिर अब आप गाइए, अब तो मैं गा के दिखाऊंगा, बस ठीक है, मेरे बहुत सारी तालियां सलीम जावेद के लिए, मैं तौबा करता हूँ, आपने सबसे अच्छी, आपने सबसे अच्छा ये प्ले किया, इसलिए आज के देखिए आप लोगों ने जितने जुमले बोले ना वो सबसे ज्यादा मैंने बोले हैं, हॉलीवुड तक ले गए थे जी, क्या सुना रहे हैं, अच्छा है, जी ईद की खुशियां मना रहे हो, गाना हो, मेहमान हो, बातें हो, गेम्स हो, हंसी मजाक हो और खाना नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो जी हमारी स्वीट डिश तैयार हो चुकी है, और पहले तैयार स्वीट डिश हो गई, अब हम नमकीन की तरफ आते हैं, वैसे ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ठंडा होने का ठंडा होने का टाइम मिल गया, बिल्कुल अच्छा, क्या बना रही हैं, कबाब हर किसी के बहुत फेवरेट होते हैं, ये जो कबाब मैं बना रही हूँ इसका नाम है मखमली कबाब, मखमली कबाब, और मखमली नाम इसका इसलिए क्योंकि मखमल का, हाँ सॉफ्ट होता है, मखमल का जब आता है तो बेसिकली मखमल बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये भी बिल्कुल मेल्ट इन माउथ वाला जो है इसमें टेक्सचर होगा इसका, कितनी खुशी हो रही है मुझे इस वक्त किचन में खड़े होकर कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी चख सकती हूँ, पूरा रमजान मैंने बगैर रोजे के साथ जो है ना खाना बनाया तो हाँ, खा सकती, मुश्किल टास्क होता है, इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपकी अपनी मर्जी के हैं, ठीक है, हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ मैंने ये कीमा पीसा हुआ है, लेकिन जो मखमली का टेक्सचर किस तरह आएगा वो चीज मेन इंग्रेडिएंट है, वो है कच्चा पपीता, कच्चा पपीता, ये हाँ एक किलो कच्चा पपीता, एक किलो गोश्त के साथ तकरीबन आप एक से डेढ़ टेबल स्पून डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपने छिलकों के साथ पीसना होता है, अच्छा, छिलकों में ही असल जो होता है वो गलाने की बेसिकली पावर होती है, और इसमें क्या क्या डलता है, इसके अलावा इसके अंदर मक्खन है 1 टेबल स्पून, ये बादाम है पीसे हुए, ये काजू है, अदरक है, लहसुन है, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा जायफल है, और खुशबू के लिए, और ये जो हरी इलायची होती है वो पिसी हुई है, ठीक है, जाफरान की 2-3 पत्तियां डालूंगी खुशबू के लिए, सही है, और फिर इसको मिक्स करूंगी, कबाब बनाऊंगी, और सर्विंग के इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप सिंपल भी सर्व कर सकते हैं, आप पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप पराठों का रोल भी बना सकते हैं, आप इसे बर्गर्स में भी रख सकते हैं, तो वो सब मैं प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी और आपको खिलाऊंगी भी, जरूर जरूर बिल्कुल हम खाएंगे, और ये जब तक
मखमली कबाब मखमली कबाब मखमली कबाब बनाती हैं। जब तक हम चाहते हैं कि पिंकी कोई अच्छा सा गाना आप सुना दें हमें। अच्छा जी बहुत सारे जितने भी मेहमान यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे शो में आए और अपने इतने इधर आ जाएं आप। कोई नहीं कोई नहीं, आइए आइए, लोग आपको देखना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और इतने आज के दिन जाहिर है बहुत मसरूफ़ दिन होता है, चांद रात का दिन बड़े काम होते हैं, अपने भी होते हैं, दोस्तों के साथ घूमना भी होता है, मज़े भी करने होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वक्त निकाल के हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया, मुनीब आपका शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। लेकिन जाने से पहले ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सलीम जावेद भाई से वो वाला गाना ना सुने जो कि इनकी क्लेम टू फेम बना, और आज भी जब भी जहां भी जुगनी होती है वहां सलीम जावेद का। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि हम सब मिलके एक जुबान होके सुबह जो यहां पे ईद आने वाली है, हमारे मुल्क में जो खुशियां आने वाली हैं, हमारे मुसलमानों का जो बहुत ही बड़ा त्यौहार है ईद का त्यौहार, उसके लिए हम चाहते हैं कि तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को मुल्क में और मुल्क से बाहर, हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बस यही बात तो कह रही थी मैं कि लाइव गाना हर एक के बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपने बड़े दिल से गाया और बहुत जोश से गाया, थैंक यू सना, बहुत ही ऐसा है मौला अली का, बेशक गाया यहाँ से जाए तब तभी मजा आता। बिल्कुल बिल्कुल, सबका बहुत शुक्रिया पिंकी, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर जाते जाते कह देते हैं एक्सप्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।